दिल्ली के मोहम्मदपुर में मुफ्त स्वास्थ्य और चिकित्सा शिविर लगाया गया सांसद मीनाक्षी लेखी के द्वारा और सह भूमिका निभाई इसमें स्थानीय निगम पार्षद भगत सिंह टोकस ने। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मोहम्मदपुर की, जहां पर बता दें कि आपको ये हेल्थ चेकअप कैंप जो है नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी के द्वारा लगवाया गया है। साथ ही स्थानीय निगम पार्षद इसमें सह भूमिका निभाते हुए नजर आए और स्टैंडिंग कमेटी की डिप्टी चेयरपर्सन तुलसी जोशी भी यहाँ पर पहुँची। साउथ दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन तुलसी जोशी यहाँ पर पहुँची हैं और साथ ही साथ मीनाक्षी लेखी जो है नई दिल्ली की सांसद वो यहाँ पर पहुँची और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर इलाके के लोग अपना चेकअप कराने के लिए पहुँचे। आपको बता दें कि कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका चेकअप कराना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कोरोना काल का वक्त चल रहा है और कोरोना काल में लोग अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी के द्वारा ये कैंप लगवाया गया। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में उनके और क्षेत्रों में जिस तरीके से नई दिल्ली का जो पूरा संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर अलग अलग जगहों पर इसी तरीके के जो चिकित्सक कैंप हैं वो लगाए जाएंगे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मोहम्मदपुर की, जहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद हुए। उन्होंने भी यहाँ पर पहुँचकर अपना चेकअप कराया, साथ ही साथ स्थानीय जो लोग थे वो भी यहाँ पर पहुँचे। तस्वीर हम आपको मोहम्मदपुर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टरों से भी बात करती हुई नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी नजर आ रही हैं। साथ ही साथ निगम पार्षद मुनिरका के भगत सिंह टोकस, साउथ दिल्ली की स्टैंडिंग डिप्टी चेयरपर्सन जो हैं तुलसी जोशी वो भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और बढ़ चढ़ कर जो लोग हैं यहाँ पर चेकअप कराने के लिए पहुँच रहे हैं और आने वाले दिनों में इसी तरीके का हर रविवार को कैंप जो है अलग अलग वार्ड में हर निगम पार्षद के द्वारा लगवाया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है डॉक्टरों से भी बात करती हुई नजर आ रही, साथ ही साथ जिस तरीके से जो लोग यहाँ पर चेकअप कराने के लिए पहुँचे थे उनसे भी बात करती हुई नजर आ रही हैं सांसद मीनाक्षी लेखी। नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी के द्वारा ये स्वास्थ्य शिविर कैंप जो है वो लगवाया गया है, जिसमें कि बढ़ चढ़कर जो लोग हैं रविवार के दिन पहुँचे हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक के लिए ये जो कैंप है ये लगातार और आने वाले दिनों में अलग अलग वार्ड में लगेगा। इसकी शुरुआत मुनिरका वार्ड के भगत सिंह टोकस के वार्ड से हुई है और मोहम्मदपुर में इस कैंप को लगाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मोहम्मदपुर की, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कैंप लगा है और सुबह के बाद किस तरीके से यहाँ पर बढ़ चढ़ कर जो लोग हैं वो यहाँ पर इस कैंप में पहुँचे हैं। उद्देश्य तो बहुत स्पष्ट है कि हम लोगों के क्षेत्र में लोगों के पास सुविधाएं नहीं है ब्लड टेस्टिंग वगैरह की, और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जनता के साथ फ्रॉड हो रहा है, उनका खाली पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको बर्बाद किया जाता है। तो CSR और अन्य माध्यमों से हम लोग हर हफ्ते में मेरे क्षेत्र में वार्ड वाइज हम लोग एक ये हेल्थ कैंप लगाते हैं। पहले लगाते थे कोरोना करके, थोड़ा रोका काम, लेकिन अब फिर जैसे जैसे ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो रही है तो हम वापस ये कैंप लगा रहे हैं, और इसमें हमारे जो काउंसलर्स हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है कार्यक्रम अरेंज करने में, लोगों तक सही बात पहुंचाने में। तो अभी जैसे ये क्षेत्र आज भगत जी का है, भगत टोकस जी का, तो उन्होंने मोहम्मदपुर गांव में लोगों के बीच वो बात फैलाने का काम, लोगों को यहाँ तक पहुंचाने का काम, सुविधाओं का काम किया, और भाजपा के हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर अन्य सभी कार्यकर्ता जो हैं इसमें सहयोग करते हैं जनता के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए। आपके संसदीय क्षेत्र में और जगह भी लगेगा नई दिल्ली का? जी जी जी, हर रविवार को तय किया जाता है। मेरा ख्याल अगले हफ्ते तुलसी जी के वार्ड में लग रहा है, और प्रमुख इसको लगवाने वाले मेरे साथ राजेंद्र गोयल जी और रमेश पहलवान जी, इन दो लोगों की जिम्मेवारी है क्षेत्र में घूम के अरेंजमेंट देखना, डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करना, बाकी सब चीज़ें जो है उस काम को आगे बढ़ाना। क्या क्या चेकअप हो रहा है और क्या वजह है, क्यों लगाया? देखिए, हमारी लोकप्रिय सांसद आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी के नेतृत्व में पूरी नई दिल्ली लोकसभा के अंदर ये हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं हर वार्ड के अंदर, जिसके संयोजक बड़े भाई रमेश पहलवान जी और राजेंद्र गोयल जी हैं। आज मोहम्मदपुर गांव में मुनिरका वार्ड में हमने यहां पर ये सभी के जो हैं फास्टिंग टेस्ट हो रहे हैं, फुल बॉडी चेकअप हो रहा है और HIV टेस्ट हो रहे हैं, और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं ताकि लोग हमारे क्षेत्र के लोग स्वस्थ रह सके। और मीनाक्षी दीदी का निरंतर ये प्रयास रहता है कि वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके काम
करती हैं। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुनीरका वार्ड में हेल्थ चेकअप कैंप यहां पर रखा और मुनीरका वार्ड के सभी निवासियों की तरफ से भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। कोरोना के साथ साथ और भी बीमारियों पर ध्यान देना जरूरी है लोगों के लिए। बिल्कुल, अगर आप देखिए कि अगर किसी अन्य बीमारी से अगर आपका शरीर ग्रस्त हुआ तो निश्चित तौर पर अगर आपको कोविड हो गया तो उसकी रिकवरी में बहुत समय लगता है। इम्यूनिटी सिस्टम जो है दुरुस्त होना और शरीर का स्वस्थ होना कोविड से बचने का एक ही उपाय है।